रूस यूक्रेन वॉर में रूस ने यूज किए डेंजरस वेपन। पहला, फॉस्फोरस बम, फटने पर पाउडर फैलाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद तेजी से आग पकड़ता है। जलते हुए फॉस्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दूसरा, वैक्यूम बम, पहले छोटा ब्लास्ट बादल की तरह बिखर जाता है, दूसरा ब्लास्ट इस बादल से आग लगाता है। यह एनर्जी वेव और शॉक वेव प्रोड्यूस करता है, यह इंसान के शरीर को भाप बना देता है। तीसरा, सरमत मिसाइल, यह एक ICBM बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 18,000 किलोमीटर तक है। यह 100 के जी वॉरहेड कैरी कर सकती है। चौथा, T-90 टैंक, T-72 टैंक। पांचवा, कैलिबर मिसाइल, यह एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 550 किलोमीटर से लेकर 650 किलोमीटर तक है। यह 400 से 500 के जी वॉरहेड कैरी कर सकती है। छठा, केंजल मिसाइल, यह एक हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज 2,000 किलोमीटर तक है। यह 100 से 500 के जी वॉरहेड कैरी कर सकती है। सातवां, RGD-5 ऑफेंसिव फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड, वेट 310 ग्राम, मेड इन सोवियत यूनियन। आठवां, RGO डिफेंसिव फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड, वेट 530 ग्राम, मेड इन सोवियत यूनियन। नौवां, RGN ऑफेंसिव फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड, वेट 290 ग्राम, मेड इन सोवियत यूनियन।